रांची जेसीए स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट का जुनून युवाओं में, खासकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा देखा जा रहा है। ऐसे में टिकट को लेकर अब कालाबाजारी की शुरुआत भी हो चुकी है। जैसा कि लोगों का कहना है कि टिकट ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होने से टिकट में कालाबाजारी की संभावना जताई जा रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि काफी कब से आप लोग यहाँ मतलब लाइन में लगे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है। 5 बजे से आके खड़े हैं सर, 3 दिन से, तीसरा दिन है लाइन लगे हुए हैं। यहाँ तक काउंटर तक पहुँचते हैं, काउंटर बंद हो जाता है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कालाबाजारी तो धड़ल्ले से हो रही है। हाँ बिल्कुल एकदम, और हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा दिन है, तीसरे दिन से खड़े हैं, अपना सारा काम छोड़ के क्रिकेट देखने का हम लोग, इतना शौक है, हमारे बच्चों का शौक है, हम लोग खड़े हैं सुबह से 5 बजे। अंदर बात करते हैं, कौन क्या लगता है? सब आगे में जितने भी दिख रहे हैं ना, सब काले बजाने वाली है। सुबह आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कोई सुबह आके टिकट लेने के लाइन खड़ा होते हैं, वो लोग रात का 12 बजे बैठ जाते हैं, रात का 12 बजे पुआर और बिछा के बैठ जाते हैं और वही, और जितना भी टिकट खरीदते हैं उसका दुगना तिगना पैसा में वो टिकट बेच रहे हैं। आप क्या लगता है किसके लिए टिकट लेने आए? हम अपने लिए लेने आए हैं, मेरा भाई है उसके लिए लेने आए हैं सर। 3 दिन हो गया आज, फर्स्ट दिन से हम लाइन लगा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ उस दिन वहाँ से लाइन लगे थे, यहाँ तक आते आते मतलब बंद हो गया काउंटर, कल भी वही हुआ। क्या लगता है कितना जद्दोजहद है इस टिकट के लिए पास की? बहुत ही झमेला है सर, ऑनलाइन होता ना तो बहुत अच्छा होता, बहुत इजी होता। हम मेरी जैसी सारी बहन लोग सब भूखे प्यासे अपने घर के काम छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ कर यह टिकट के लिए क्यों लगी है, क्योंकि हस्बैंड और भाई सब काम पे गए हैं, लेडीज फ्री है, आकर टिकट सोची ले लेगी, पर इसके चलते में 2 दिन पूरा खराब हो गया सर। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि महिलाओं को आगे करके टिकट के लिए यहाँ लाइन में लगा। नहीं वैसा तो है, वो कालाबाजारी लोग, कालाबाजारी जो कर रहे वही वैसा ऐसे लोग हैं यहाँ। हाँ बहुत है, भरे पड़े हैं, जो जानते पहचानते भी है, लेकिन हम उन लोगों का नाम नहीं ले सकते सर। अच्छा आप बताइए, मैच हो रहा है यहाँ, किसके किसके बीच हो रहा है? इंडिया पाकिस्तान। कौन है इंडिया का कैप्टन? अभी नहीं बता। अच्छा आप किसका मैच देखने आए हैं, इंडिया का कि न्यूजीलैंड? इंडिया का। न्यूजीलैंड को नहीं देखिएगा? देखेंगे, साथ में ही नहीं खेला जाएगा। न्यूजीलैंड का कैप्टन को? हम उतना क्रिकेट नहीं देखते हैं, पर भैया के लिए लेने आए हैं। तो रांची के जेसीए स्टेडियम में आयोजित इंडिया न्यूजीलैंड के मैच को लेकर कालाबाजारी की संभावना देखी जा रही है, और महिलाओं का कहना भी है कि टिकट को लेकर कालाबाजारी शुरू हो गई है, लोग महिलाओं को लाइन में खड़े कर रहे हैं ताकि टिकट आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिन्हें ये पता तक नहीं है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन है, मैच में क्या कुछ खास होता है, किन बिंदुओं पर नज़र रखी जाती है और क्या कुछ बेहतर होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की बात है, लेकिन टिकट की कालाबाजारी शुरू हो गई है और इसके लिए लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को इसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था करने की ज़रूरत थी। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ मुइजुद्दीन, समाचार प्लस रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।